नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई पनीर, जिसके लिए मैंने सामग्री क्या ले रखी वो मैं आपको दिखा दूँ। और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि ये रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाई, और बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो जिसके लिए मैंने क्या क्या ले रखा है वो मैं आपको बता दूँ। तो मैंने जो है 25 ग्राम के करीब मैंने काजू लिया है, 5 से 6 कली लहसुन, और एक टुकड़ा मैंने अदरक लिया है जिसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, 5 से 6 प्याज को मैंने छील के धो के अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए अब इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। और 200 ग्राम मेरे पास पनीर है। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, और इसमें डालने के लिए मैंने एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ले ली है, इस तरीके से एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। तो ये मैं सारा काम जो है इंडक्शन पे करने वाली हूँ, तो अभी मैं इंडक्शन ऑन करूँगी। और भगोने में मैंने पानी रख दिया है, तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें इस पानी में डाल के इसको अच्छे से उबाल लूँगी, जब तक कि मेरा प्याज और अदरक सब अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, मुलायम नहीं हो जाता, तब तक इसे मुझे उबालना है। एकदम अच्छे से प्याज सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे मतलब कि अगर आप हाथ से दबाएँ तो प्याज अच्छे से जो है दब जाए या मैश टाइप का हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। इलायची भी मैंने डाल दिया है, और अब इसको ढक के पकाना है। तो फ्लेम को पहले मैं लो कर देती हूँ, 500 पे मैंने इंडक्शन को सेट कर दिया है, और अभी से मैं 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। प्याज अच्छे से पक गई है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, तो ऐसा ही चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले हम ये जो है बड़ी इलायची निकाल देंगे, नहीं तो इससे ग्रेवी मेरी काली पड़ जाएगी। और ये मैं हरी मिर्च भी इसमें से हटा दूंगी, और छोटी इलायची इसमें रहने दूंगी, और अदरक इसमें रहने दूंगी बस जो है। प्याज को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के दही, और इसके साथ मैं इसको जो है पीस लूंगी। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि दही थोड़ी खट्टी है, खट्टा हो जाएगा। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट बनाना है प्याज का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, देखते हैं क्योंकि ये रिफाइंड तेल में बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप घी में बना सकते हैं। तेल को गर्म हो जाने देते हैं, और जो ये पनीर है ना इसे आप डीप फ्राई या सेलो फ्राई कर सकते हैं, तो मैं इसे सेलो फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं नॉन स्टिक तवा लूँगी, उस पर मैं हल्का सा घी लगाऊंगी, और बस उस पर मैं इसको थोड़ा सा सेक लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया 1 लाल मिर्च, ताकि इसमें जो है मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, बहुत ज़रा सा, क्योंकि मुझे जीरा से जो मैंने पेस्ट बनाया है ना ये ऐड कर देना है। इसको मुझे थोड़ा सा भूनना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसे मैंने ढक के 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है, और इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। पनीर को मैंने सेक लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे ये सेकना है। तो हो गया, पनीर मेरी सेक गई है, और अब मैं इसमें नमक डालती हूँ ग्रेवी में, जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ। इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ना ही कोई मसाले डालने हैं, बस आपको नमक डालना है, वो भी थोड़ा सा। अब फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है छिटक सा रहा है, तो गर्म है तो जलने का चांस हो जाता है, तो थोड़ा सा फ्लेम को लो रखें। और इसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है, नहीं तो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा जो है कलर इसका डार्क हो जाएगा, और मुझे जो है वाइट ग्रेवी में बनाना है। और इसमें से जो है प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो मैंने प्याज को अच्छे से पका के पीसा है ना, इस वजह से इसमें ना प्याज की जो महक होती है वो नहीं आ रही है, तो इसे बहुत ज़्यादा मुझे भूनना नहीं है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल देती हूँ, क्योंकि मैं मलाई पनीर बना रही हूँ तो मलाई तो डालना इसमें ज़रूरी है। तो मैंने 2 टेबल स्पून मलाई लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसकी ग्रेवी जो है ना मैं थोड़ा सा थिक रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे ना पतला ग्रेवी में नहीं बनाऊँगी, तो इसको मैं थिक रखूँगी, एकदम होटल के स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दूँगी, मैंने 1/2 कप दूध लिया है, एकदम अच्छे से मलाई वाला ही दूध लिया है मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
ये भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुका है और फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं अब ढक दूँगी। ढकने के बाद जो है इसे 10 मिनट मैं पकने दूँगी और इसको ना धीमी आंच पे 10 मिनट पकाना है। शाही पनीर में थोड़ा सा मीठापन रहता है ना, तो इसमें जो है मीठापन तो है लेकिन इसमें ना मैं थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, तो मैं 1 छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे, क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो मैं एकदम होटल जैसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना सकती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कि हल्की सी मिठास आ जाए। और इसमें जो है काजू दूध और मलाई की वजह से ऑलरेडी इसमें अच्छी मिठास है, इसलिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि घर में तो अपने हिसाब से थोड़ा बनाना होता है। और अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक के इसको मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसको ना 500 पे सेट कर दिया है और 10 मिनट अब मैं पकने दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको वापस दिखाती हूँ और 10 मिनट के बाद ही इसमें मैं पनीर ऐड करूँगी और इसके साथ आप पूरी पराठा और या तो तंदूरी रोटी बना सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं, ये जो है अच्छे से जो पक चुका है, सॉरी 10 मिनट हो गया है, ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डाल देती हूँ ऐसे इस तरीके से कट करके, थोड़ा सा अदरक, ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी जो पनीर मैंने रखा हुआ है ये इसमें ऐड कर देना है। ये पनीर बन के रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक फटाक से पहुंचेगी। और मैंने इस सब्जी के साथ बनाया है लच्छा पराठा, तो मैंने जो है कोई भी मैदा वैदा ऐड करके मैंने आटे को नहीं गूंथा था, प्लेन आटा जो गेहूं का होता है जो घर में रोज़ रोटी बनाते हैं वही आटा गूंथ के मैं उसी से लच्छा पराठा बनाई हूं। और इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूं, बस कल या परसों में ही लच्छा पराठा कैसे बनाएं घर में तो इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। और इसके साथ मैंने जो है केवल मलाई पनीर बनाई है, क्योंकि अगर मैं दोनों चीज़ बनाती हूँ ना तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग ना देखते देखते बोर हो जाते हो और पूरा देखते भी नहीं, तो इस वजह से जो है लच्छा पराठा